करनाल गांव के गोदाम से 13 लाख रुपए कीमत का यान धागा चोरी, धागा चोर गिरफ्तार। भिवंडी शहर तथा ग्रामीण परिसर में पावलून से कच्चा कपड़ा बनाने के लिए छोटे छोटे कारखाने हैं। इन कारखानों में यार्न धागा सप्लाई करने लिए विभिन्न कंपनियां ने रहनाल पूर्णा दापोडा आदि क्षेत्रों में गोदाम बनाकर रखा हुआ है। गोदामों से आए दिन चोरी होने की घटनाएं आम बात है। अंजूर फाटा निवासी चेतन सूरजमल गढ़वाल का रहनाल गांव स्थित कंचन कंपाउंड के राज श्री वेयरहाउस काला -5 में यार्न धागा की गोदाम है। इसी गोदाम से सूरजमल विभिन्न क्षेत्रों में यार्न की सप्लाई करते हैं। 5 अगस्त से 6 अगस्त के दरमियान रात में अज्ञात चोरों ने गोदाम का शटर तोड़कर लगभग 13 लाख रुपए कीमत के यार्न चोरी कर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत गढ़वाल ने नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भादंगी के कलम 454, 457, 380 प्रमाणे मामला दर्ज कर लिया था, जिसकी जांच पुलिस उप निरीक्षकार जे विकाटे कर रहे थे। जांच के दरमियान 8 अगस्त के दिन पुलिस उप निरीक्षक विकाटे को गुप्त सूचना मिला कि चोरी में शामिल आरोपी धामनकर नाका पर आने वाला है, जिसे गिरफ्तार करने के नारपोली पुलिस ने धामनकर नाका पर जाल बिछाया। कुछ ही देर में इस चोरी में शामिल अब्दुल अजीज मोहम्मद इंद्रिस खान 36 निवासी आजाद नगर शांति नगर को गिरफ्तार कर लिया तथा खान को विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर कंचन कंपाउंड में हुई चोरी की बात कबूल कर ली। इस चोरी में शामिल लकी व शमी तथा अन्य दो साथियों का नाम भी बताया। नारकोली पुलिस उप निरीक्षक जे निकाटे की टीम में शामिल पुलिस हवलदार सातपुते, पुलिस नाइक सोमगिरे, पुलिस सिपाही जाधव वंदेगर शिरसाठ आदि ने भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे सहा, पुलिस आयुक्त नितिन कौस्तिकर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिवे के मार्गदर्शन में गोदाम से चोरी हुआ 13,32,646 रुपए का यान धागा बरामद कर लिया है। इस वारदात की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक जे निकाटे कर रहे हैं।